एक दिन में 9 एफआईआर मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुआ, 9 एफआईआर। लेकिन कल जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, मेरे वाक्य को याद रखिएगा, 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग गया। आप वो करना नहीं चाहते, आपको पकड़ना विपक्ष के नेताओं को, और शिवसेना वाले हमारे संजय रावत भाई बैठे, ये अगर विकास करने में लग गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, महाराष्ट्र रोज रोज जाना पड़ेगा आप लोगों को। कानून के दुरुपयोग की अगर बात करें मान्यवर, एक दिन में 9 एफआईआर मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुआ, 9 एफआईआर। बिल पर बोले राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा इन लोगों ने, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा 21 मुकदमे लिखे। आप आज खुश हो सकते हैं, खुश होइए, कानून बनाइए, आपके पास संख्या है, आप बनाएंगे। लेकिन कल जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, मेरे वाक्य को याद रखिएगा, इन्हीं कानूनों का आपके खिलाफ दुरुपयोग होगा। जैसे आपातकाल का रोना आज तक रो रहे हैं ना, ऐसे ही रोना रोगे जब ये यही कानून आपके खिलाफ होगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मान्यवर, आप सारी जानकारी रख लीजिए किसी अपराधी के बारे में, उसके बाद वो भाग जाता है हिंदुस्तान छोड़ के। 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा लेके भाग गया। जिस देश के साथ आपकी प्रत्यार्पण संधि नहीं है, वहां से इन लाखों करोड़ के लुटेरों को बुलाओगे कैसे, हिंदुस्तान कैसे बुलाओगे आप? मैंने एक सुझाव सदन में दिया था, माननीय गृह मंत्री जी हैं यहाँ पे, मैं चाहूंगा आप वो संशोधन कीजिए, कानून लाइए इस देश में, जिसके पास 50 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो उसका पासपोर्ट जब्त करके रख लीजिए, हिंदुस्तान छोड़ के भागने नहीं पाएगा। आप वो करना नहीं चाहते, आपको पकड़ना है विपक्ष के नेताओं को। लेकिन एक बात और कह रहा हूं, मानो एक बार कह के खत्म कर रहा हूं, जितना समय उतना तो